हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे पढ़ते हुए आज हम बात करेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है यूलर्स इक्वेशंस ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू डराइव यूलर्स इक्वेशंस फॉर अ रिजिड बॉडी, सबसे पहले आपको एक रिजिड बॉडी कंसिडर करनी होगी। ये है हमारी रिजिड बॉडी, जो कि हम ये मान के चलेंगे इट इज़ रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर अबाउट दिस फिक्स्ड पॉइंट ओ डैश, और ये बॉडी जो है ओमेगा वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है इन फ्रेम एस, और एस फ्रेम की जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो हैं एक्स वाई जेड। तो ये तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड मिला के हमारा एस फ्रेम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं। यहाँ पर हमें एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो कंसिडर करना होगा, और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें रिजिड बॉडी के अंदर कंसिडर करना होगा। सपोज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस and that axis are x prime, y prime and z prime. ये जो axis हैं rigid body के अंदर fixed हैं, और ये तीनों axis मिलके एक frame constitute करेंगी, और उस frame को हम नाम देंगे s prime. ये जो तीनों axis हैं rigid body के अंदर, हम ये मान के चलेंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस हैं रिजिड बॉडी की, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस रिजिड बॉडी का, वो हम लेट करेंगे। मान लीजिए अगर ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट वो आई वन होगा, इस एक्सिस के अबाउट जो रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई टू होगा, और ये जो एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रिजिड बॉडी का वो होगा आई थ्री। पिछली वीडियो में हमने पूरी डिटेल में चर्चा की थी कि आखिरकार प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती हैं। प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होती हैं जिसके अबाउट जो हमारे ऑफ डायगनल एलिमेंट्स होते हैं इनर्शिया टेंसर में, वो वैनिश हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स रह जाते हैं, और वो डायगनल एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। तो हमारे I1, I2, I3 जो हैं वो प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया हैं, विच आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट दीज थ्री प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको स्टार्ट कहाँ से करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ओ डैश इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहले हम एक रिजिड बॉडी कंसिडर करेंगे, दिस इज अवर रिजिड बॉडी, और ये रिजिड बॉडी जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर से इस फिक्स्ड पॉइंट ओ डैश के अबाउट रोटेट कर रही है इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, और ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस जो है वो तीन एक्सिस से मिला के बना है एक्स वाई जेड एक्सिस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिसमें न्यूटन्स लॉज जो हैं वो वैलिड माने जाते हैं। नाउ कंसिडर अनदर फ्रेम एस प्राइम, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस फिक्स इन द रिजिड बॉडी। तो यहाँ पर आपको एक और फ्रेम जो है वो कंसिडर करना होगा, एस प्राइम फ्रेम, जो कि तीन एक्सिस से मिला के बना होगा एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, और ये फ्रेम एस प्राइम जो है हमने रिजिड बॉडी के अंदर ही कंसिडर किया है, और ये तीनों एक्सिस जो हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस हैं इस रिजिड बॉडी के लिए। द फ्रेम एस प्राइम विल ऑल्सो रोटेट विद द रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, क्योंकि ये रिजिड बॉडी इस पॉइंट ओ डैश के अबाउट इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश के साथ रोटेट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। तो क्योंकि ये जो फ्रेम एस डैश लिया है हमने रिजिड बॉडी के अंदर, वो भी इसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, क्योंकि ये रिजिड बॉडी भी रोटेट कर रही है, तो इसके साथ जो जो फ्रेम एसोसिएटेड होगा इस रिजिड बॉडी के अंदर जो फ्रेम होगा एस प्राइम
वो भी सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर के साथ रोटेट कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस इनर्शियल फ्रेम एस। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आप और क्या इसमें ऐड करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इस फिक्स्ड पॉइंट ओ डैश के अबाउट इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आई वन आई टू आई थ्री, अब हमें वो लिखना है। तो आप लिखेंगे द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स्ड पॉइंट ओ प्राइम इज गिवन बाय एंगुलर मोमेंटम, हम एल वैक्टर से डिनोट करेंगे और एल वेक्टर को हम प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आई वन आई टू आई थ्री की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं ये मैंने आपको पिछली दो वीडियोस में बताया था। तो हम एल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई वन इनटू कंपोनेंट ऑफ ओमेगा वेक्टर अलोंग दिस एक्सिस, अलोंग दिस प्रिंसिपल एक्सिस उसको हम मान लेते हैं ओमेगा वन, और इस एक्सिस के अबाउट जो ओमेगा वेक्टर का कॉम्पोनेंट होगा उसको हम मान लेते हैं ओमेगा टू, और ओमेगा वेक्टर का जो इस एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट होगा उसको हम मान लेते हैं ओमेगा थ्री। सो दैट ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वन आई कैप प्लस ओमेगा टू जे कैप प्लस ओमेगा थ्री के कैप। आप ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री की जगह ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड भी लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कंपोनेंट्स को क्या नोटेशन देना चाहते हैं। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इसको ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री नाम दे दिया है। तो आई वन इंटू ओमेगा वन इंटू आई कैप प्लस आई टू इंटू ओमेगा टू जे कैप प्लस आई थ्री इंटू ओमेगा थ्री के कैप। इस तरह से रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को हम आई वन आई टू आई थ्री की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि हैं प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। पिछले सेक्शन में मैंने आपको बताया क्योंकि ये रिजिड बॉडी जो है रोटेट कर रही है अबाउट दिस फ्रेम एस, तो इस बॉडी के अंदर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने फिक्स किया है एस प्राइम वो भी रोटेट करेगा इस फ्रेम एस के अबाउट। तो यहाँ पर हमारे जो ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री हैं वो भी टाइम के साथ चेंज होंगे, और साथ के साथ प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जो यूनिट वेक्टर्स हैं आई कैप जे कैप के कैप वो भी टाइम के साथ वैरी होंगे। बट एक चीज़ है जो टाइम के साथ वैरी नहीं होंगी वो है हमारे पास आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यूज़, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं आई वन आई टू आई थ्री की ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट कॉन्स्टेंट रहेंगी, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। वेयर आई वन आई टू आई थ्री आर प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया एंड आर कॉन्स्टेंट्स, आई वन आई टू आई थ्री जो हैं इन तीन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं और ये टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे, ये कॉन्स्टेंट रहेंगे। बट ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री एंड आई कैप जे कैप के कैप विल वेरी विद टाइम एज फ्रेम एस प्राइम इज रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस। बट हमारा ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री और आई कैप जे कैप के कैप जो कि यूनिट वैक्टर्स हैं अलॉन्ग थ्री प्रिंसिपल एक्सिस वो टाइम के साथ चेंज होंगे, क्योंकि हमारा फ्रेम एस डैश जो है वो एस के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है विद सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जिसके साथ हमारी रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। तो यहाँ पर क्योंकि ओमेगा वन आई कैप ओमेगा टू जे कैप ओमेगा थ्री के कैप टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं तो एल वेक्टर भी टाइम के साथ चेंज होगा। टाइम के साथ एल वेक्टर में कितना चेंज आएगा वो निकालने के लिए अब हमें फर्स्ट इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना होगा कीपिंग आई वन आई टू आई थ्री एज कॉन्स्टेंट्स, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। डिफरेंशिएटिंग वन बोथ साइड्स विद वी गेट, तो दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलेगा डी एल वेक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू आई वन कॉन्स्टेंट है उसको आप कॉन्स्टेंट मानेंगे, ओमेगा वन आई कैप ये दोनों टाइम वेरिंग क्वान्टिटीज हैं तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमें यूवी रूल लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं पहले ओमेगा वन का डिफरेंशिएशन करते हैं, ओमेगा वन का डिफरेंशिएशन किया आई कैप को ऐसे ही छोड़ दिया प्लस आई वन ऐसे ही रहेगा, उसके बाद ओमेगा वन को छोड़ दो आई कैप का डिफरेंशिएशन कर दो विद टाइम, उसके बाद ये इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अब हमें इस टर्म का करना है सेम ऐसे ही करेंगे प्लस आई टू कॉन्स्टेंट रहेगा, पहले हम ओमेगा टू का कर रहे हैं डिफरेंशिएशन एंड जे कैप को कांस्टेंट रख रहे हैं, फिर आई टू एज इट इज ओमेगा टू को छोड़ दिया और जे कैप का डिफरेंशिएशन करेंगे विद टाइम तो आपको ये मिल जाएगा, प्लस इसी तरह से इसका भी डिफरेंशिएशन होगा आई थ्री विल बी कांस्टेंट, ओमेगा थ्री का डिफरेंशिएशन करते हैं
और यहाँ पर आ जाएगा के कैप प्लस आई थ्री ऐसी ओमेगा थ्री ऐसी, और यहाँ पर के कैप का डिफरेंशिएशन विद टाइम ये हो जाएगा। इसको हम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन, इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, अब हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स सेपरेट करेंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को, सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को, थर्ड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को एक अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे, और बाकी टर्म्स को ये वाली और ये वाली को अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। तो आपका अगला स्टेप होगा dl वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू i1 d ओमेगा 1 बाय dt i कैप प्लस i2 d ओमेगा 2 बाय dt j कैप प्लस i3 d ओमेगा 3 बाय dt k कैप, फिर प्लस में ब्रैकेट लगाएंगे आप i1 ओमेगा 1 di कैप बाय dt प्लस i2 ओमेगा 2 dj कैप बाय dt प्लस i3 ओमेगा 3 dk कैप बाय dt। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है, डी आई कैप बाय डी टी, डी जे कैप बाय डी टी, डी के कैप बाय डी टी की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके लिए हम रिलेशन यूज़ करेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, और वो रिलेशन होता है वी वैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर। और वी वैक्टर क्या होता है, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर वैक्टर। तो वी वैक्टर की जगह हम लिख देंगे डी आर वैक्टर बाय डी टी। तो ये जो रिलेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये रिलेशन अगर r वेक्टर के लिए ट्रू है तो ये किसी भी वेक्टर के लिए ट्रू होगा। तो इस रिलेशन से हम एक ऑपरेटर बना सकते हैं, d बाई डी टी ऑफ सम वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस दैट वेक्टर। तो यहाँ पर हम बारी बारी से पहले इस प्लेस पर i कैप पुट करेंगे, फिर j कैप पुट करेंगे, फिर k कैप पुट करेंगे, तो आपको मिलेगा d बाई डी टी ऑफ i कैप इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई कैप। इसको हम दे देते हैं फोर्थ इक्वेशन। अगर आप इस खाली प्लेस पर जे कैप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा डी जे कैप बाय डी टी इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस जे कैप। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। इक्वेशन हम जितनी मर्जी बना सकते हैं, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। अब हम इस खाली प्लेस पर के कैप पुट करेंगे, डी के कैप बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा वैक्टर क्रॉस के कैप। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो हमें तीनों की वैल्यूज मिल चुकी है, तीनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इक्वेशन को यूज़ करना है थर्ड इक्वेशन में, यहाँ पर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने डी आई कैप बाय डी टी, डी जे कैप बाय डी टी एंड डी के कैप बाय डी टी की वैल्यू जो है वो निकाली थी फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन में। अब हम ये वैल्यू जो है थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग फोर फाइव एंड सिक्स इन थ्री वी गेट डी एल वैक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट जो है पहले वाली वो एज इट इज उतारेंगे आप, प्लस बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट आई वन ओमेगा वन, और यहाँ पर डी आई कैप बाई डी टी की जगह लिख देंगे ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई कैप, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस आई टू ओमेगा टू, इसकी जगह आप लिख देंगे ओमेगा वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस आई थ्री ओमेगा थ्री, और इसकी जगह आप लिख देंगे ओमेगा वेक्टर क्रॉस के कैप। तो हमने ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट में से ओमेगा वेक्टर क्रॉस सब में कॉमन है, आप बाहर ले सकते हैं। तो आपका अगला स्टेप होगा डी एल वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू पहले वाली ब्रैकेट जो है वो एज इट इज रहेगी, प्लस तीनों में से ओमेगा वेक्टर क्रॉस हम कॉमन ले लेंगे, ओमेगा वेक्टर क्रॉस कॉमन आ गया, अंदर है जाएगा हमारे पास आई वन ओमेगा वन आई कैप, यहाँ पर हमारे पास आई कैप है, प्लस आई टू ओमेगा टू जे कैप यहाँ रह जाएगा, प्लस आई थ्री ओमेगा थ्री के कैप रह जाएगा। तो अगला स्टेप आपका क्या रहेगा, डी एल वैक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज प्लस ओमेगा वैक्टर क्रॉस, और ये टर्म क्या बन गई, ये क्या है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर एल वैक्टर। इसको हम दे देते हैं सेवंथ इक्वेशन। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ओमेगा वैक्टर क्रॉस एल वैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, फिर हम फाइनल इक्वेशंस तक पहुँचेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर।
तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम सेवन्थ इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है ओमेगा वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर की। तो आप लिखेंगे ओमेगा वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट मेथड्स, इसको फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट वेक्टर ओमेगा वेक्टर के कंपोनेंट्स जो कि हैं ओमेगा वन, ओमेगा टू, ओमेगा थ्री। यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स मींस एल वेक्टर के कंपोनेंट्स जो कि हैं आई वन, आई टू, ओमेगा टू, आई थ्री, ओमेगा थ्री, वो हमने यहाँ लिख दिए। जब आप ये डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे आप मैथ में डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वैसे आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सब में से माइनस साइन कॉमन लेंगे। माइनस साइन कॉमन ले लिया सब में से, तो यहाँ पर आ गया आई कैप। इस ब्रैकेट में से और क्या कॉमन आ रहा है, ओमेगा टू, ओमेगा थ्री कॉमन आ रहा है, बाहर ले लीजिए क्योंकि आपने बाहर माइनस साइन कॉमन लिया है। तो माइनस आई टू जो है वो प्लस का हो जाएगा और प्लस आई थ्री जो है वो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा जे कैप। यहाँ से ओमेगा वन, ओमेगा थ्री कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आपके पास आई थ्री माइनस आई वन। इसी तरह से माइनस साइन बाहर कॉमन लिया है तो यहाँ पर आप प्लस के ही रखिए, यहाँ पर साइन इंटरचेंज कर दीजिए और कॉमन ले लीजिए ओमेगा वन, ओमेगा टू। माइनस आई वन जो है प्लस का हो जाएगा, आई टू माइनस का हो जाएगा। ये हमने माइनस साइन कॉमन क्यों लिया है अभी आपको समझ आ जाएगा। इसको हम एट्थ इक्वेशन दे देते हैं। तो ये आ गई हमारे पास ओमेगा वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर की वैल्यू। अब हम ये वैल्यू पूरी की पूरी उठा के यहाँ पर सेवन्थ में इस जगह पुट करने जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग एट इन सेवन वी गेट, अब यहाँ पर डी एल वैक्टर बाई डी टी। अब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम क्या रिलेशन होता है, टॉर्क वैक्टर इज इक्वल होता है डी एल वैक्टर बाई डी टी। इट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर डी एल वैक्टर बाई डी टी की जगह हम लिख देंगे टाऊ वैक्टर। तो पहली ब्रैकेट एज इट इज रहेगी, उसके बाद इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे पूरा का पूरा माइनस, और ये पूरी की पूरी टर्म जो है एक दो तीन, ये तीन टर्म्स हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दी हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे, आई कैप के कोफिशिएंट्स कलेक्ट करेंगे और टाउ वेक्टर को कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे और फाइनल इक्वेशंस तक पहुँचेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब हमें राइट हैंड साइड में आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स को अलग अलग करना है। तो अब आप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट जो है वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। तो आइए कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में टाउ वेक्टर को आपको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना होगा लाइक दिस, टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप, जहाँ पर टाउ एक्स, टाउ वाई, टाउ जेड जो है वो टाउ वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर अब आप आई कैप के कोफिशिएंट्स इकट्ठे करेंगे। एक तो आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये वाली टर्म्स इकट्ठी करेंगे आप। आई वन डी ओमेगा वन बाई डी टी, उसके बाद है माइनस ओमेगा टू ओमेगा थ्री, ओमेगा टू ओमेगा थ्री, आई टू माइनस आई थ्री, आई टू माइनस आई थ्री, और आई कैप कॉमन ले लिया। अब आप जे कैप वाली टर्म्स देखेंगे, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो आप लिखेंगे प्लस आई टू डी ओमेगा टू बाई डी टी, उसके बाद माइनस ओमेगा वन ओमेगा थ्री, आई थ्री माइनस आई वन, जे कैप आ जाएगा। उसके बाद के कैप वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक ये है आपके पास और एक ये है, तो आप लिखेंगे आई थ्री डी ओमेगा थ्री बाई डी टी, उसके बाद माइनस ओमेगा वन ओमेगा टू, आई वन माइनस आई टू, और बाहर आप के कैप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपको के कैप भी लिखना है। तो अब आप कॉफिशेंट्स कंपेयर करेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप के। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग कॉफिशेंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो आपको टाउ एक्स विल बी इक्वल टू कॉफिशेंट ऑफ आई कैप जो कि हमारे पास आई वन डी ओमेगा वन बाई डी टी माइनस ओमेगा टू ओमेगा थ्री, आई टू माइनस आई थ्री। जे कैप का कॉफिशेंट है टाउ वाई लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कॉफिशेंट ये है जे कैप का आई टू डी ओमेगा टू बाई डी टी माइनस ओमेगा वन ओमेगा थ्री, आई थ्री माइनस आई वन। और के कैप के कॉफिशेंट्स हैं दोनों साइड पे, वो हैं टाउ जेड इज इक्वल टू आई थ्री डी ओमेगा थ्री बाई डी टी माइनस ओमेगा वन ओमेगा टू, आई वन माइनस आई टू। तो ये जो तीन इक्वेशंस मिली हैं आपको, इन्हें हम बोलते हैं यूलर्स इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, जो बेसिकली क्या कर रही हैं, टॉर्क के तीनों कॉम्पोनेंट्स को प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन, आई टू, आई थ्री के साथ रिलेट करती हैं, और इन्हीं इक्वेशंस को हम बोलते हैं यूलर्स इक्वेशंस। तो इनको अब याद कैसे रखा जाए, आप एक इक्वेशन याद रख लीजिए। देखिए यहाँ पर आई वन है, फिर यहाँ पर आई टू, आई थ्री आ रहा है,
एक साइकिल में आपको चलना है और वो साइकिल जो है वो कुछ इस तरह से होगी। अगर आई वन लिखा है तो ब्रैकेट में आई टू माइनस आई थ्री आएगा यहां पर, अगर यहां पर आई टू लिखा है तो यहां पर आपको आई टू लिखा है तो यहां पर आई थ्री माइनस आई वन आ जाएगा, यहां पर आई थ्री लिखा है अगर तो यहां पर आई थ्री लिखा है तो आगे आई वन माइनस आई टू आ जाएगा यहां पर। तो आई वन आई टू आई थ्री उस हिसाब से आपको यहां पर टर्म्स लिखनी है। और यहां पर अगर ओमेगा वन है तो यहां पर ओमेगा टू ओमेगा थ्री आएगा, ओमेगा वन यहां पर नहीं आएगा। यहां ओमेगा टू है तो यहां पर ओमेगा टू नहीं आएगा, ओमेगा वन ओमेगा थ्री आएगा। यहां ओमेगा थ्री है तो यहां पर ओमेगा वन ओमेगा टू आएगा, ओमेगा थ्री नहीं आएगा यहां पर। तो इस हिसाब से आप इनको याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रिजिड बॉडी डायनामिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।